हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनेकल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर्स की जो श्रृंखला चालू करी थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2016 का जो ओल्ड पेपर था लोक सेवा आयोग का एमपीपीएससी का, उसके 2016 के पेपर का सेकेंड पार्ट, मतलब अगले 25 क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब माना जाता है पंचवर्षीय योजना का, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना से। जी हाँ दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, यहां से ये पंचवर्षीय योजना का एक वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्च है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्च जो कि हमारे शरीर में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, स्टार्च क्या है? स्टार्च जो होता है दोस्तों, असल में इसको पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसेकेराइड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर तीन पोषक स्तर होते हैं, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। तीन पोषक स्तरों में सबसे पहले जो प्रथम पोषक स्तर पर आते हैं वो आते हैं हरित पादप, मतलब हरे पौधे। ये अपना भोजन जो है ये सूर्य की किरणों से डायरेक्ट बनाते हैं, इसीलिए ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाश्चुरीकरण। जी हाँ दोस्तों, पाश्चुरीकृत या पाश्चुरीकरण संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध के निर्जमीकरण से। जी हाँ दोस्तों, दुग्ध के निर्जमीकरण से ये संबंध रखता है पाश्चीकरण। अगला देखते हैं, ओजोन छिद्र का कारण। जी हाँ दोस्तों, ओजोन O3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसमें कई सारी जगह पर छेद बनते जा रहे हैं, इसका जो मेन कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे कौन से पर्यावरणविद हैं जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो यह है राजेंद्र सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने जल को सेव करने के लिए कई सारी नई नई स्कीम्स लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? आई गेस कि इसका आंसर आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को, वनों को सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी संस्था है जो कि पर्यावरण से संबंध नहीं रखती है? वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन्य जीव संसाधन। जी हाँ दोस्तों, ये वन्य जीवों के बारे में जो है संबंध रखता है, और ये वन्य जीवों को संरक्षित करता है और उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, अभी हमने देखा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण जो है ये वन्य जीवों के लिए होता है, पर ये लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? जी हाँ दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जनसंख्या जो थी एरिया के वाइज कम थी, मतलब वहां का जो जनसंख्या घनत्व था ये कम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? जी हाँ दोस्तों, ई सहयोग योजना ये किस विभाग ने प्रारंभ करी थी? तो ये करी थी बिक्री कर विभाग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ने ये ई सहयोग योजना को 2015 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गए थे? जी हाँ दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग, यहां से हमको ये चीज पता चलती है कि फेसबुक के जो संस्थापक है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो दोस्तों ये गए थे ताजमहल देखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? जी हाँ दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ये हुआ था अटालिया, जो कि तुर्की में पड़ता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, G8 का सदस्य इसमें से कौन सा देश नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन जो है ये G8 देशों का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द किलिंग इंस्टिंक्ट का लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये जो बुक है द किलर इंस्टिंक्ट, इसका लेखक कौन है? यह है ऑप्शन नंबर सी, ओपी संभरवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? यह है ऑप्शन नंबर बी, INS
सिद्धू सिंधु रक्षक, जी हाँ दोस्तों INS सिंधु रक्षक, ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स देशों में से कौन एक नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया आता है जो कि नहीं है, और आखिरी वाला जो एस है इससे आता है दक्षिण अफ्रीका, दैट इज कनाडा जो है ये इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कौन थे जो 2015 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉड्यूलेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे, तो ये है ऑप्शन नंबर ए सुबीर गोकरण। जी हाँ दोस्तों, सुबीर गोकरण को इसका जो कार्यकारी निदेशक था IMF का, इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का शूटिंग विश्व कप कहाँ हुआ था, 2017 का शूटिंग विश्व कप कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो लोह पुरुष थे, इन्होंने हमारे भारत देश की कुल मिला के 565 रियासतों को जोड़ने का काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिंजरे में बंद तोता ये कहा जाता है केंद्रीय जांच आयोग CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। इसके लिए एक जो मुख्य कारण वो ये है कि ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाता है, सरकार के अंतर्गत आ जाता है, तो इसलिए इसे पिंजरे में बंद तोता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हमने बड़े उद्योग तो देखे हैं, पर लघु उद्योग निगम की स्थापना कब करी गई थी, जो कि लघु उद्योग को बनाने में काम आता है, ये करी गई थी 1961 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, यह हुआ था 2005 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क है ये कहां पर स्थित है, तो ये जो ये क्वेश्चन था इसको ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था MPPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से मध्य प्रदेश की जनगणना 7.2 करोड़, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ये थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमारा इंतजार आप करिएगा, इसके बाद में भी हम इसके अन्य दो पार्ट को लेकर आएंगे और हम अभी काफी सारे जो ओल्ड पेपर्स हैं इनको कवर करेंगे, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें इंतजार रहेगा आपके सजेशंस का हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।